और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर इस्कॉन टेम्पल्स भी हैं जिनके ऊपर हमला किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रखे हैं। हिंदू मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, कृष्णा मंदिर हो, इन सबके ऊपर अटैक किया जा रहा है विद्रोहियों की तरफ से बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना भी बनाया गया है। आवामी लीग से जुड़े दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के घरों में और मंदिरों में हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के सामने जो आगजनी की गई है, मंदिर के अंदर भी तोड़फोड़ किए गए हैं। ऐसे कई सोशल मीडिया पर इस समय वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो इस समय हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें हिंदू समुदाय के लोग और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। विशेष रूप से इस्कॉन टेम्पल, काली मंदिर, जहां पर विद्रोहियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की हत्या हुई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेरकर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को मार डाला है। माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे।